फ़ोन पे बात करते हुए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। मुंबई में अब हर जगह पे हैवॉक मचा हुआ है। हैवॉक यानी कि आप देख रहे हो हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चालू है, रोड बन रहे हैं और सब जगह पे खुदाई करके रखा है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और लोग पागल हो रहे हैं। एक्चुअली पहले लोग चलाते थे वैसे ही चलाते हैं, लेकिन अभी मोर ज़्यादा इरिटेटनेस जो है वो लोगों के अंदर आ गया है, क्योंकि आप देख रहे हो सब जगह पे जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई देगा, जिसके वजह से लोग कुछ भी चीज़ें फॉलो नहीं करते। अभी जैसे आपने देखा सडनली स्कूटर वाले ने टर्न ले लिया। सेम चीज़ यहीं पर है, मैं अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ अभी घर पे जाने के लिए, और मैंने बहुत सारे अतरंगी लोगों को देखा था बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं इसके रिगार्डिंग। अभी थोड़ा ठंडी का टाइम है इसलिए ठीक है, ट्रैफिक देख रहे हो आप। एक्चुअली पहले मैं यहाँ से यानी कि मरोल नाका से थाने मेरे घर तक पहुँचने के लिए मुझे सिर्फ 40 मिनट्स लगते थे, अभी 1 आवर एंड 30 मिनट हो जाता है, फिर भी मैं नहीं पहुँच सकता, जो कि आप देख सकते हो कि वो डबल है मेरे रेगुलर टाइम से। मैं अभी साकी नाका के सिग्नल के यहाँ पे हूँ। एज़ यूजुअल यहाँ पे सेम ट्रैफिक रहता है, देख रहे हो तो सब लोग सामने से सब सिग्नल तोड़ के एकदम आगे तक आ चुके हैं, भले ही हमारा सिग्नल छूटने क्यों नहीं वाला हो। देखो क्या बात है, इतना नज़दीक नज़दीक स्पीड ब्रेकर बना के रखा है यार। एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस नहीं किया कि दूसरे स्पीड ब्रेकर में, ये देखो एक जस्ट और क्रॉस किया तो एक और आ गया, और वो भी राइट शेप में नहीं है स्पीड ब्रेकर सब। रॉन्ग साइड से, वो भी ट्रिपल सीट, ओ बाप रे, पूरा ग्रुप है। इतना टाइम में हाथ दुखना स्टार्ट हो गया। ये क्या है यार, ये यार नसीब है अब तक डोमिनार का नीचे टच नहीं हुआ, नहीं तो स्पीड ब्रेकर्स इतने बेकार है। देखो अचानक से बीच में, इस जगह पे हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं यहाँ पे पिछले लाइक 1 या 2 मिनट से रुका हूँ, और 2 मिनट में कितने लोगों ने सिग्नल तोड़े हैं, नंबर्स अनकाउंटेबल है। हेलमेट के बारे में तो मैं अभी तक यहाँ पे काउंट ही नहीं कर रहा। तो देखो
पीछे किसी कार वाले को किसी बाइक वाले ने ठोक दिया, जिसके वजह से वो रुक गया और उसके पीछे तीन और गाड़ियां रुक गई। हॉर्न बजाते हुए रॉन्ग साइड में फुल लंब फोन पे बात करते हुए। मैंने सुना है कि अभी PUC भी उन लोगों ने डिजिटल कर दिया है, और लाइक आप अपने डिजी लॉकर ऐप पे या फिर एम परिवहन ऐप पे अपना PUC चेक कर सकते हो। ये अच्छा आइडिया है, दो लेन के बीच में चलाओ और फिर जब चाहिए तब लेफ्ट या राइट। अगर आप ऐसे हाईवे पे चला रहे हो और आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है तो सिंपल सी बात है, आपको पहले से ही सिग्नल देना पड़ेगा और सिग्नल देने के बाद आपको स्लो स्लो वो जगह पे मूव करना स्टार्ट करना है। ऑटो वाले लोग अपने हिसाब से बीच में डाल देंगे, उनका ऑटो नहीं जाते रहेगा तभी भी। देखा, दिस इज सेम। बाय द वे, ये संडे को 8 दिसंबर को हमारा ब्रेकफास्ट राइड है, सो आप लोगों में से जो भी मुंबई से है और जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है इस राइड के लिए वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है। डोमिनार का ब्रेकिंग अच्छा है इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आप रोड के बीच में ट्रक का पार्किंग करके रखा है यार, ये देखो। इन महाशय को काफी गाई है। दिख रहा कार वाले लोग, अर्टिगा। इंजन हीटिंग के बारे में बात करें तो आपने देखा कि तब से लेके अब तक मैं बाइक को ट्रैफिक में ही चला रहा हूँ और मेरा स्पीड अबाउ 40 नहीं गया है, और ये सिनारियो में इंजन हीट हुआ है ऑफ कोर्स यस, बट इतना ज़्यादा नहीं कि मैं अपना पैर से इसको पकड़ नहीं सकूं। बट इसके साथ ही मैं इंजन ऑयल चेंज करके भी देखने वाला हूँ। आप रे, इतना गंदा स्मेल और इतना पोल्यूशन, लग रहा है कि बंदा कैरोसिन पे चला रहा है टेम्पो। ट्रैफिक आप देख सकते हो, जब से मैं निकला हूँ तब से लेके अब तक ट्रैफिक है। पहले रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसे थे जो खाली मिलते थे, पर अब वो भी नहीं है। और ये ट्रैफिक इतना होने का रीज़न सिर्फ एक ही है, इस सब जगह पे मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो 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 मेट्रो, और एक ही साथ सब जगह पर मेट्रो का काम चालू कर दिया। ऐसा नहीं कि पहले एक जगह पर करके मेट्रो बनाया जाए और फिर इसके बाद दूसरे जगह पर मेट्रो का काम स्टार्ट किया जाए। ऑल अराउंड मुंबई यही सिनारियो है। बाप रे, कर लो बात। ओके, तो मैं भी आ चुका हूँ मेरे घर के बहुत ही करीब, और सेम सिनारियो यहाँ पर भी है। यहाँ पे गाड़ी के जगह पे लोगों का तकलीफ ज़्यादा है। चांस नहीं है एक बस जो कि टर्न नहीं ले सकता। पता नहीं कौन से जन्म में ये इनका सब कंस्ट्रक्शन का काम करके ख़त्म होगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।
आई होप सो आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ।